Hey guys, welcome back to the channel. This is Sai Dental Vlogs. आज का टॉपिक हुआ कि क्या क्या वो घरेलू उपचार है जो हम अपने घर में यूज करके हमारे माउथ की बर्निंग सेंसेशन को कम कर सकते हैं। अब हमारे माउथ में बर्निंग सेंसेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण ये है कि कभी कभी स्पीड में खाने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा गाल दांतों के बीच में आ जाता है तो गाल हमारा कट जाता है, तो उसको ट्रॉमेटिक अल्सर बोलते हैं। कोई भी टाइप ऑफ घाव को हम अल्सर बोलते हैं, जैसे कि अगर हमारा पेट गर्म हो गया उस टाइम पे माउथ में हमारा अल्सर हो जाता है। अगर हम किसी सिचुएशन में है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या फिर एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी एब्सेस अल्सर हमारे माउथ के अंदर, टंग के ऊपर, हमारे चीक्स के अंदर वाली साइड, तालू में। कभी कभी हम बहुत ज्यादा धूप में घूम लेते हैं तो हमको हर्पिस वाले अल्सर्स भी हो सकते हैं। कभी स्मोकिंग की वजह से अल्सर होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया लाइकेन प्लेनस की वजह से अल्सर होते हैं, ओएसएमएफ की इनिशियल स्टेजेस में भी बहुत अल्सर्स होते हैं। अल्सरेशन में ही बेसिकली बर्निंग होता है, ट्रॉमेटिक हो या फिर कोई बहुत गर्म खाना खा लिया उससे भी अल्सर होता है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कारण है जिसके वजह से हमारे मुंह में बर्निंग सेंसेशन या फिर अल्सरेशन होती है। पहले क्या से जानना है कि हमारे माउथ में कुछ तीखा लग रहा है या फिर ये जलन है। तो अगर हम कोई भी नॉर्मल खाना खा रहे हो, जैसे कि चाय पी रहे हो या फिर हम कोई भी खाना खा रहे हो जैसे कि कोई दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, उसकी वजह से हमको अगर जलन हो रही है और तीखा टेस्ट नहीं आ रहा और आंखों से पानी आ रहा है, मतलब ज्यादा जलन हो रही है, तब हमको समझना चाहिए कोई एबनॉर्मलिटी है। तो सबसे पहला घरेलू उपचार है कि अपने माउथ में एक सूदिंग एजेंट डालें। सूदिंग एजेंट मतलब कि सबसे पहले अगर कोई तीखा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, कूली करने लग जाते हैं पानी। लेकिन पानी से भी ज्यादा इफेक्ट करता है अगर हम हमारे घर में शहद होती है, अगर शहद या फिर हनी जिसको बोलते हैं, वो अगर हम अपने माउथ में जिस जगह पे बर्निंग सेंसेशन हो वहां पे अगर लगाएं तो वो काफी ज्यादा आराम देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज हो गई एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है बहुत फायदेमंद होता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है। जो हमारा एलोवेरा का छोटा सा पेड़ हम गमले में लगा सकते हैं, उसका तो अंदर का तोड़ के जेल निकालेंगे, वो फ्रिज में भी रख के अर्ली मॉर्निंग उसे यूज करना है बिना मुंह के कुल्ली किए। अर्ली मॉर्निंग आप यूज करेंगे, उसके बाद आप उसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, फिर आप कुल्ली कर सकते हैं। ये सब कब काम आते हैं, जब हमारे मुंह में घाव हो जाए, छोटे छोटे अल्सरेशन हो जाए, ये बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है। गरम घी, बहुत से लोग घी भी लगाते हैं गाय का, वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उन केसेस में आते हैं कि जहाँ पे जब एक टोबैको इंड्यूस होता है, जो कि खैनी खाते हैं, खैनी खाने के बाद घाव हो गया या फिर एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से घाव हो गया या फिर किसी अल्सरेशन की वजह से घाव, पेट में गर्मी की वजह से घाव हो गया, तो उस केसेस में कर्क्यूमिन बहुत अच्छा काम करता है। कर्क्यूमिन मतलब कि कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी का पेस्ट। उसमें क्या होता है कि कर्क्यूमिन बोल के एक चीज होती है जिसमें एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इतनी प्रॉपर्टीज, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी रहती है। उसको अगर हम लगा के रखें हमारे पूरे ओरल कैविटी में तो वो बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट डालता है। इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर और हमारे माउथ के अंदर जितने भी इन्फ्लेमेशन होता है पूरा कम हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, मेरी बेटी को कुछ दिन पहले जो लाल चींटी होता है वो काट लिया, तो हाथ में पूरा फूल गया था। तो फिर इमीडिएटली मैंने कच्ची हल्दी का पेस्ट, मैंने अपने घर पे पेड़ लगा के रखा है छोटा सा प्लांट में, तो उसको हम पेस्ट लगाया तो इमीडिएटली विद इन 1 आवर वो इन्फ्लेमेशन कम हो गई। इट हैज सच अ गुड इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि हमको लगाना है उसको, हनी में मिक्स करके लगाना है और उसके बाद हम अगर आधे घंटे उसको वेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम पानी पी सकते हैं, पानी पीने के बाद वो जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है हम ले सकते हैं। ऐसे घरेलू नुस्खे हो गए कि मेडिसिन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एक और अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि लहसुन, गार्लिक जिसको बोलते हैं, लहसुन जो होता है उसको हम अगर अर्ली मॉर्निंग ले तो उससे क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे बॉडी में यूजली ठंड के टाइम में ज़्यादा लोग लेते हैं। तो अगर आप लहसुन दिन में एक ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, उसको आप एक्चुअली लहसुन को चबा के लेना चाहिए, उसकी वजह से बहुत स्मेल आती है, लेकिन आप ब्रश करने के पहले लें और उससे क्या होगा, हमारा पेट जो है अच्छा रहता है, डाइजेशन बहुत प्रॉपर रहती है। अब हमारे माउथ में से लेके हमारे गट तक, गट मतलब अंतड़ियाँ जो इंटेस्टाइन है, वो पूरा एक ओरल माइक्रोबायोटा से भरा होता है। ओरल माइक्रोबायोटा मतलब कि उसमें बैक्टीरिया, हमारा बॉडी पूरा बैक्टीरिया से भरा है, जैसे बैक्टीरियोइड्स हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, बाइफिडोबैक्टीरिया हो गया। तो ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी गट, गट जो मतलब हमारी जो अंतड़ी है उसको हेल्प करती हैं डाइजेशन करने में और हमारे माउथ के अल्सरेशन में भी काफी ज्यादा इन बैक्टीरिया का रोल है। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बहुत खाते हैं, तो उससे एंटीबायोटिक में क्या होता है कि सेकेंडरी हमारे जो गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं खराब। अगर आपको पेट खराब है, आप नॉर्फ्लॉक्स टीजर्ट खा लो, अब देखना आपको 3-4 डेज तक बाथरूम ही नहीं आएगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कॉमन सेल्स जो नॉर्मल बैक्टीरिया वो भी डेड हो जाती हैं। तो हमारे ओरल माइक्रोफ्लोरा को बैलेंस करने के लिए हमको फूड में अल्कलाइन फूड्स ऐड करने चाहिए। अल्कलाइन फूड्स जैसे कि हो गया फाइबर रिच फूड, जैसे कि हो गया हमारा क्यूक्यूम्बर, गाजर, सैलड्स, ये सब। उसके साथ हमको सही मात्रा में प्रोटीन, अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, तो एटलीस्ट 50-60 ग्राम एक नॉर्मल आदमी को प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन सोर्स चाहिए एवरीडे। तो हम क्या है कि इंडियन लोग ज्यादातर चावल दाल सब्जी खाते हैं, लेकिन हमको डाइट में आपको चने, बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड चिकन, थोड़ा सा फिश,
ये सब भी ऐड करना चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन है उसको डाइट में पनीर, टोफू, ये सब भी ऐड करना चाहिए। तो वैरायटी ऑफ फूड्स, डिफरेंट कलर वाले फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक फ्रूट हर रोज खाना जरूरी है, कंपलसरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत जरूरी है हमारे डाइट के लिए। तो ये सब अगर आप बैलेंस डाइट रखेंगे तो हमारे माउथ की बर्निंग, शरीर की फिटनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपको कोई भी काम करने के लिए कॉन्फिडेंस भी देती है। अगर आप रोज एक ही खाना खाएंगे, एक ही टाइप खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा सिस्टम बिगड़ता है डाइजेशन का। अगर डाइजेशन प्रॉपर खाना हो रहा है, माउथ में कभी भी कोई अल्सरेशंस रेयरली आते हैं। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे sai_dental इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, लव यू ऑल।